बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। अभी है जी हमें ऑफिस से, बस जस्ट अभी हमारा ऑफिस ऑफ हुआ है और मैं जो हूं यहां से सीधा रूम के लिए रूम की तरफ जा रहा हूं। फिलहाल मेरा जाने का मूड था एक जगह पे फेस्टिवल में, लेकिन अभी वो कुछ वजूहत की बिना से वो पोस्टपोन हो गया। वो देखें इंशाल्लाह, हमारे जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं रूम में, तो एक्चुअली हमारे रूम में काफ़ी बेड स्पेस खाली हैं, तो वो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो मेरा रूम देखने के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल उनको दिखा दिखाता टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको आज पोस्टपोन करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं कल पे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी, आज जल्दी मैं निकल गया ऑफिस से। मौसम बड़ा ज़बरदस्त और सर्द किस्म का मौसम हुआ हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बड़ा बेहतरीन है जी मौसम, ठंडी ठंडी है यहाँ, ऐसा ठंड पड़ना शुरू हो गई है आज से। यहाँ पर ठंड पड़ना जो ही प्रॉपर जो ठंड पड़ना होती है ना, वो ठंड पड़ना शुरू हो गई है यहाँ पे अबू धाबी में भी। तो जैकेट्स वगैरह जो है नॉर्मली अब वो यूज़ करना शुरू कर दी है मैंने। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, हवा ठंडी ठंडी चलती है रात को, सुबह सुबह भी अर्ली मॉर्निंग अच्छी खासी ठंडी हवा चलती है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ रूम में और मेरा कुछ ऐसे लेने का इरादा तो है, लाइक शवारमा। कल का शवारमा ज़रा अच्छा था, तो अभी मैं सोचता हूँ कि वही शवारमा लेता हूँ जाके। ये जी मैंने अपने भांजे के लिए मंगाया है जी गिफ्ट, एक गिफ्ट ये है और एक गिफ्ट है जी ये, और ये है जी मेरे पास बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी थी। ये है जी मेरी भांजे के लिए फिट टू वॉच, सैमसंग की वॉच है ये, मैंने अपने भांजे के लिए ली है, बड़ी प्यारी वॉच है। तो उसे घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो स्पेशली जो है ये मैंने उसके लिए ली है। तो अभी खोलूँगा नहीं मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये जब मैं लेके जाऊँगा इंशाल्लाह तो उसको दूँगा और वो फिर इंशाल्लाह जो है इसकी, ये तो मैंने बॉक्स से निकाल के इसको देखा है कि भाई ये कैसी है, कैसी इसके सही है, जैसे जो कलर मैंने चूज़ किया था वही कलर है या कोई डिफरेंट कलर है। तो फिलहाल कलर तो वही है और फिट टू वॉच है, काफ़ी अच्छी है, सैमसंग की गैलेक्सी फिक्स टू वॉच है, ये पूरा सील पैक है यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं। तो फिलहाल ये मैं जाके उसको गिफ्ट दूँगा इंशाल्लाह और वो फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेगा। मेरा मकसद बस यहाँ से इसे डब्बे से निकालना इसलिए था कि देखूँगी जो मैंने कलर चूज़ किया था कि वही कलर है, तो जी कलर तो सेम है। और फिलहाल ये जो है मैं इसको जाके दूंगा गिफ्ट, ये आप यहाँ देख लेंगे यहाँ पे जो है ना इसके अंदर लगी हुई है सील। तो ये है जी सैमसंग की गैलेक्सी फिट टू वॉच, काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं इसमें, काफ़ी अच्छी मिल रही थी मुझे, तो मैंने ये जो है ना ले ली। उसको मेरा जो भांजा है उसको ना घड़ियों का बड़ा शौक है, ये सैमसंग की घड़ियाँ हो गई हैं, कोई और घड़ियाँ हो गई, तो उसे घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये स्पेशली जो है मैंने उसके लिए ली है। एक ये आइटम है और एक आइटम ये है, ये फ़िलहाल मैं अभी इसको खोलूँगा, ये कुछ इतनी ख़ास आइटम नहीं है, ये लाइक जस्ट फेस वॉश ही है। तो फ़िलहाल इसको तो कोई मसला नहीं है, इसको इधर रहने देते हैं, बाकी इसको ले कर चलते हैं अंदर। ये हैं जी माशाल्लाह हमारे खीरे, और ये देख रहे हैं माशाल्लाह खीरे आस्ते आस्ते हो रहे हैं बड़े, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए ओहो माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा हुआ है। ये फिलहाल पानी कम मिलने की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता जल रहे हैं, खीरे जो निकले हुए हैं पहले से वो तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये नज़र आ रहा है आपको। और मैं यहाँ से सोच रहा था कि ये जो है ये मेरे तरबूज के, ये तरबूज है मेरा, एक मैं इसके अंदर से निकालूं ज़रा कि ये मेरी मूली जो है वो कितनी बड़ी हो गई है। ये है जी बीच में गोभी का, ब्रोकोली जिसे कहते हैं,
तो मैं एक निकालने के चक्कर में हूँ यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो ये तो बहुत बड़ा है नीचे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें जी हमारी लाल मूली माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी हो गई है। तो अभी इसका टाइम हो गया जी, इसको निकाल देते हैं। और ये हमारी लाल मूली है, ये जो मैंने लगाई थी भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और इसको अब निकालने का टाइम आ गया, इसको मैं निकालता हूँ किसी दिन और इसको यूज़ करते हैं इंशाल्लाह। ये मैं भी ले जाऊँगा साफ़ करके रूम में और रखूँगा, सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको मैं। बाकी तरबूज एज़ यूजुअल साथ साथ फैला हुआ है। तरबूज भी आस्ता आस्ता माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया और वो वहाँ पे भी मेरे तरबूज के पौधे वगैरह लगे हुए हैं ताकि फिर खीरे को जो है खीरा जो है मेरा उसको इंशाल्लाह ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो इसको जो है ये जो हिस्सा है मैं पूरा यहाँ से निकाल देता हूँ और निकाल के जो है फिर इसको देते हैं पानी में, क्योंकि हमारी मूली जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई और तरबूज भी साथ साथ फैल रहा है। तरबूज का भी देखते हैं इंशाल्लाह, बाकी ये मैं निकालता हूँ इंशाल्लाह आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खीरा भी बहुत अच्छे तरीके से फल दे रहा है माशाल्लाह, खीरे के भी बहुत बड़े बड़े फल हो गए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये इससे भी मुझे बड़ा कोई खीरा नज़र आ रहा है, हाँ जी छोटा सा खीरा इसमें है। तो फिलहाल खीरा को भी जो है इसका भी निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह एक फल इधर लगा हुआ और यहाँ पे भी कुछ थे, यस यहाँ पे भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं जी फल, ऐसा ऐसा फल लगे हुए हैं बहुत सारे। ये भी एक फल लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको जो है निकालते हैं वाला हिस्सा पूरा और देखते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं और जाने से पहले आज की अच्छी बात, ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपसे मोहब्बत करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हज़रत अली। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का और हम सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।